हेलो फ्रेंड्स, आई एम उषा दरगाह। वेलकम टू माय चैनल रुद्र एंड मॉम। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। वैसे तो आंवले की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आंवले का जूस, आंवले का शरबत, आंवले का अचार, आंवले की खट्टी मीठी कैंडी, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आंवला हमारे बालों को काला और घना बनाता है और हमारी आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। चलो हम शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा बनाना। ये हमने 5 किलो आंवले लिए हैं। अच्छे से हमने इन्हें धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब इन्हें हम नॉर्मल थैलियों में भरकर 7 दिन के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप कोई भी थैली में भरकर इसको रख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको दोनों थैलियों में भर लिया है। अब इसे हम बंद करके 7 दिन के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 7 दिन हो चुके हैं, हमने आंवले फ्रीजर से निकाल दिए। अब इन्हें हम एक बर्तन में खाली करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। ताकि इन पर जो बर्फ लगी है ना, वो हट जाए। कि जो ऊपरी परत है ना, सारी निकाल लेंगे हम। ये हमने सारे आंवले छील लिए हैं। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। हमने 5 किलो आंवले लिए थे, तो हम इसमें, वैसे तो 5 में 5 किलो शक्कर ही डालते हैं, पर हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैं इसमें 4 किलो शक्कर ही डालूँगी। आप इसमें ज़्यादा मीठा खाते हो तो 5 किलो शक्कर भी डाल सकते हो। ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको गर्म करेंगे, चाशनी बनाएंगे। हमने 4 किलो शक्कर डाल के रख दिए। अब ये शक्कर अपने आप मेल्ट हो जाएगी और फिर हम इसको गर्म रखेंगे, चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारी शक्कर पूरी मेल्ट हो चुकी है, शक्कर का पूरा पानी हो चुका है। अब हम गैस चालू करेंगे और इसे गर्म, जब तक गर्म करेंगे जब तक कि ये गाढ़ी चाशनी नहीं बन जाए। ये जब तक हम गाढ़ी चाशनी नहीं बनेगी तब तक हम इसे गर्म करते रहेंगे। ये हमारी चाशनी अब गाढ़ी हो चुकी है, आंवला भी अच्छे से दब रहा है, तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने पर हम प्लास्टिक या कांच के जार में इसे भरकर रख देंगे। ये हमारे अब आंवले बन चुके हैं और खाने के लिए रेडी है। देखिए इतने अच्छे आंवले बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।